राहीला को अगर इस घर से किसी को निकालना होता तो वो तुम्हें ना निकालती, वो तुम्हें निकालती। मैं सिर्फ दोस्त है मेरी और कुछ नहीं है, समझे इस चीज को। आप लोगों ने मुझे वक्त से पहले बड़ा करने की कोई कसर तो छोड़ी नहीं है, शादी, बच्चे, बीवी, कारोबार। कभी कहते हैं अच्छी औलाद बन के दिखाओ, कभी कहते हैं अच्छे बाप बन के दिखाओ, कभी कहते हैं अच्छे शौहर बनो। मैं इन सब झंझटों के बीच में फाखिर कहीं खो गया। क्या मतलब हो उसने? साले साहब, साले साहब भाई किधर जा रहे हैं आप? आइए आइए, अंदर आइए आइए, बैठिए बैठिए। नहीं ठीक है, बताएं। साले साहब बहुत तेज जा रहे हैं आप, जरा आराम से, जरा हौले। जिस काम के लिए यहाँ बुलवाया गया हूँ वही कर रहा हूँ। नहीं वो तो मैं देख रहा हूँ, आप माशाल्लाह बहुत मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, तो जरा हमारा भी जरा ख्याल रखिए, ब्रादर नस्बती हैं आपके। चले आ, चल चाय पी। मेरा ना यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं सिर्फ अपने काम से काम रख रहा हूँ। अगर रिश्तेदारियाँ देखने बैठ गया ना तो ऑडिट नहीं कर पाऊँगा। रही बात चाय की तो वो मैं अपनी टेबल पे मंगवा लूँगा। ऑडिट पर इतना मत भूलो, और ये मत भूलो कि तुम्हारी बहन आज भी मेरे निकाह में है, तलाक के नाम से जान जाती है उसकी। तुम्हारी भांजियों पर इसका क्या असर पड़ेगा ये बात जहन में रखना। हबीब साहब ये धमकी ना बहुत पुरानी हो गई, जंग लग चुका है इसे। मैं काम करूंगा, आज ही आपा के पास जाऊंगा और उन्हें सब बता दूंगा। हर चीज के लिए पहले से जहनी तौर पे तैयार कर दूंगा। ठीक है बता दो, वो खुद ही तुम्हारे तनले मिन्नतें करेगी कि हबीब को ऑफिस से मत निकालो। बता दो, देखते हैं क्या होता है। आपकी बीवी कमजोर पड़ती है या मेरी बहन स्ट्रॉन्ग, देखते हैं। इसमें लगी भी हो, तैयार हो जाओ ना, इस तरह जाओगी? मैं बस जा रही हूँ तैयार होने, और वैसे मैंने क्या तैयार होना है, सिर्फ कपड़े ही तो बदलने हैं मैंने। ये तो तुम लोग इतनी मुश्किल से कभी कहीं साथ जाते हो हैं, या तो कॉलेज जाओगे फॉर्म जमा कराने देंगे, डॉक्टर के पास जाओगे नायों को लेकर। इतनी मुश्किल से एक मौका मिला है, जरूर तैयार हो जाओ, थोड़ा मुंह सही कर लो। क्या फायदा मेरे तैयार होने का, मेरे कपड़े कभी पसंद आते हैं? इसीलिए तो सुबह समीना भाभी ने मशवरा दिया कि फाखिर के साथ जाकर उसको बोलो अपनी पसंद के कपड़े तुम्हें दिलाए, फिर तो उसकी पसंद के कपड़े पहनना। जाओ जाए कपड़े बदलो। हाँ मैं मुझे दे दो, तुम जाओ मैं पहना। अच्छा बस अब दो, जा रही हूँ जा। अच्छा जाओ मैं इसको तैयार करती हूँ। सुनो तुम्हारे अब्बा से मैंने बात की थी कल, मुझे तो बहुत अकड़ के उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन उनको बात समझ में आ गई है कि राहीला का फाखिर से बात करना अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल है वो बात करेंगे उससे। ऐसा ही हो। अच्छा अम्मा वो बताना भूल गई, वो आपको जिम्मी मामी का मैसेज आया था। हाँ। वो कह रहे थे कि वो आएंगे आज शाम में, शायद आएंगे पता नहीं। सौ दफा है मेरा भाई सराको पे है ना, अकेले आ रहे हैं या आलिया भी साथ आ रही पता नहीं। ये उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने बस ये कहा था कि वो ऑफिस से वापस आएंगे। हाँ तो मेरे ख्याल से अकेले ही आएंगे वो। सही है, और वो कह रहे थे कि उनको आपसे कोई ज़रूरी बात भी करनी है। सही, क्या ज़रूरी बात करनी करनी होगी कोई? तुम जाके तैयार हो, मैं उसको तैयार करती हूँ। अच्छा भाई चलो जूता पहन लो, चल दीजिए फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे आज आप जल्दी वापस आ गए। बस अब वापसी वापसी है साइका बेगम। ऐसे क्यों कह रहे? क्या बताऊं, किस्मत ही खराब है। ज़हीर भाई के दफ्तर में लगे हुए कुछ ही दिन हुए हैं और ओले पड़ गए। जमशेद आके बैठ गया है, सारे पुराने खाते खंगाल रहा है। हाँ तो खंगालने दे, हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, जब सब कुछ खुलेगा तो फर्क पड़ेगा। तो ये कहें ना कि आपने हमारे मरहूम भाई के कारोबार को स्यासफेद किया। हाँ तो
किया है, तुम लोगों की खातिर किया है। तुम्हारी भाभी मुझे कोई लाखों की तनख्वाह नहीं देती, बहुत मुश्किल से गुजारा करता हूँ मैं। हमसे तो बात कर लेते, हमें तो बता देते कम से कम, हम समीना भाभी से बात कर लेते, रूखी सूखी खा लेते, लेकिन आपने तो हमारे मैके के कारोबार को मुफ्त समझ के उड़ाया है। अकेले बैठ के नहीं खाया, तुम्हें और बच्चों को भी खिलाया। ये तो और गलत किया, हमारी बेवा भाभी और यतीम भतीजे को पहले लूटा और फिर हमें और हमारे बच्चों को हराम का निवाला खिलाया और अब यहाँ से भागने की बातें करें। भाग नहीं रहा हूँ बेवकूफ औरत, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें अपनी भाभी और भतीजे के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े जब ये खाते खुलेंगे। इसलिए कह रहा हूँ, फरहाना के घर शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं से मस्कत के लिए अप्लाई करूंगा बस। हम यहाँ से हरगिज नहीं भागेंगे, हमने कुछ गलत नहीं किया और हम में हिम्मत है अपने भतीजे और भाभी का सामना करने की। ठीक, करो सामना फिर। नहीं पागल हूँ, इनके बारे में सोचता हूँ। शर्म करें। अस्सलामुअलैकुम। बस ये कितने का है? 3000। और ये? ये 7000। 7000, दो मिनट दिखाएगा। बस एक सेकंड। के या फिर फाकर, तुम बताओ कौन सा लूं? फाकर, फाकर क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? तुम मुझे वहाँ अकेला छोड़ के आ गए? यार वो प्ले स्टेशन जो मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे रखा हुआ है। प्ले स्टेशन, माई गॉड फाकर, ग्रो अप। वो अपनी बेटी के लिए आया है यहाँ पे। इसमें क्या बड़ी बात हो गई यार, प्ले स्टेशन की कोई उम्र थोड़ी होती है। ये ना, मैं अपनी बेटी के कपड़ों के लिए आया ना, तुम उस बात पर तवज्जो दे सकते हो? और अनाया, अनाया तुम्हारी वजह से मैं अनाया को भी छोड़ के आ गई। मेरी वजह से ना, यू ग्रो अप, संभालो उसको। चलो, पता नहीं किधर छोड़ दिया उसको। इधर सायका, क्या बात है, मुझे बता भी दो अब। सुनो, कहीं ये फराज भाई उस शाजिया के चक्कर में फिर से तो नहीं पड़ गए? पड़ जाते तो गनीमत थी, कम से कम समीना भाभी और फाखिर के सामने ये रसवाई तो ना उठानी पड़ती जो अब उठानी पड़ेगी। कैसी रसवाई सायका, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। फराज साहब भी बहती गंगा में हाथ धो रहे थे, जहीर भाई के कारोबार में धोखेबाजी से पैसे बना रहे थे। अच्छा, एक मैं ही हूँ जिसे बिजनेस में से कुछ भी नहीं मिला, मेरे से तो कुछ नहीं आया और तुम सब पैसे बनाते रहे। किसी बातें कर रही हूँ, जब फराज साहब मस्कत से आए थे तो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे। हमने तो उनकी बेरोजगारी से तंग आके जहीर भाई के कारोबार में उनको नौकरी दिलवाई थी, हमें क्या पता था वो ऊपर से पैसे बना रहे। बस करो सायका, तुम इतनी भी मासूम नहीं हो, वैसे ना मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। हमारा यकीन करो फैमी, हमें कोई मामला नहीं पता होते ऑफिस के और ना वो बताते। अच्छा, तो अब कैसे पता चल गया? अरे वो तो उन्हें बताना पड़ा ना, जमशेद आ पहुंचा है ऑफिस में, सारे हिसाब किताब खंगाल रहा है। इससे पहले कि समीना भाभी और फाखिर उन्हें ऑफिस से निकाले, वो खुद यहाँ से जाने की बातें कर रहे हैं।
तो फराज भाई इतने अच्छे हैं तो लूटो आप पैसा वापस ला के दे दे। क्या पागलों वाली बातें करती हो फिर? वो तो खाया पिया हजम हो गया। सारी लूट मार तो शाजिया के बिजनेस में शामिल होने से पहले ही खत्म हो गई थी। अच्छा घर छोड़ो, अपनों के लिए अब सुमीना भाभी घर में थाने कचहरी थोड़ी लगाएंगी, चंद बातें सुनाएंगी ना, सुन लेना चुप करके। अब मुंह छुपा के भागने की क्या जरूरत है? हमने भी यही कहा है फहमी, लेकिन फराज साहब बस जिद हैं कि बस मस्कर चलो, और कह रहे नौकरी का जब तक वर्क परमिट नहीं मिलेगा तो फरहाना के घर पे रहेंगे। तुम्हें पता ना कितनी चुड़ैल है वो, मेरे बच्चों को एक दिन नहीं सुकून से रहने देगी। वैसे एक बात कहूँ फहमी, तुम बड़ी खुशनसीब कि सज्जाद भाई के साथ तुम्हारा मुकद्दर लिखा था। उन्होंने कभी तुम्हें और एमन को शर्मिंदा नहीं होने दी, सारी जिंदगी ईमानदारी से गुजारो। मेरी किस्मत छोड़ो, सब मसले हल हो जाएंगे, तुम परेशान मत हो। क्या वो ऑफिस से जल्दी आ गए खैरियत? तुम्हारा भाई क्या हरकतें कर रहा है ऑफिस में? क्या मतलब? मेरे खिलाफ क्यों काम कर रहा है वो? मेरे ऑफिस से क्या लेना देना? ये तुम्हारा अपने भाई से तो लेना देना है ना? ए? रोको उसको, वरना तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं करूंगा, समझी? तो नहीं रुकूंगी ना, काम कर रहे हो। भाभी ने जिस काम के लिए बुलाया वही कर रहा है। अगर उसने मुझे ऑफिस से निकलवाया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, तलाक दे दूंगा मैं तुम्हें। फिर जाके रहना अपने भाई के साथ और अपनी बच्चियों को भी ले जाना। समझाओ उसको ठीक है? साइका जी। सवीना भाभी, फराज भाई तो ऑफिस से जल्दी निकल गए, घर आ गए, खैरियत है? जी समीना भाभी, वो जल्दी आ गए थे क्योंकि हमें उन्हें जानने और समझने में देर हुई। जमशेद ने पुराने हिसाब किताब की रिपोर्ट बनाई है जिसमें ये पता चला है कि फराज और हबीब दोनों ही बहती गंगा में हाथ धो रहे थे, और फराज ने सुन लिया और भाग खड़े हुए वहाँ से। समीना भाभी आप यकीन करें हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें तो कितनी बातों का पता भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी बातों का नहीं पता होगा, लेकिन ये भी हकीकत है कि फराज इस फ्रॉड में शामिल है। जब से ऑफिस से आए बस एक ही बात कह रहे हैं कि अब वो यहाँ नहीं रहेंगे, फराना आपा के घर जाके रहेंगे। शायद ये समझ रहे हैं कि ऑफिस से निकाला है तो घर से भी निकाल दूंगी। तो जहीर की बहन हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अलबत्ता आप अपने फराज साहब से कहिएगा कि वो ऑफिस के करीब भी ना भटके। आ जाओ। कैसी हैं आपा? इन सब की क्या जरूरत थी जमशेद? अरे आपा बस यूं ही। सब खैरियत है आपा? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आज दफ्तर में क्या हुआ है जमशेद? आपा हबीब भाई और फराज भाई के ना चट्टे बट्टे खोल दिए। और तुमने ये भी नहीं सोचा तुम्हारी बहन और भांजियों का क्या होगा? आपा जो गबन इन्होंने किया वो सामने लाना मेरा फर्ज था। गबन तो उस शख्स ने उस वक्त कर दिया था जब उसने राहिला का हाथ थामा था। आपको सबको छोड़ के हमारे पास आ जाना चाहिए था।
छोटी थी मेरी बच्चियां, याद नहीं है तुम्हें? फायजा उंगली पकड़कर चलना सीख रही थी, क्या करती उठाकर तुम्हारे पास आ जाती, तुम संभालते, मामू का नाम लिखवाती बाप की जगह। पता नहीं है कहां कहां बाप की और बाप के नाम की जरूरत पड़ती है। ये माशरा तो इतनी भी इजाजत नहीं देता कि एक तलाक याफ्ता औरत अपने बच्चों की परवरिश अपने नाम से करवा सके, अपना नाम लिखवा सके। बाप का नाम चाहिए, बाप को बुलाए, बाप के दस्तखत। कहां जाते? गलत कह रही हो, तुम्हारी बेटी किसकी बहन है? उसी राहिना की न? आपा, मैं जानता हूं कि इस चीज से आपको हमेशा तकलीफ होती है, लेकिन आप ये बात भी तो जानती हैं कि आलिया से शादी मैंने इंटरनेट पे तय की थी। तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मुझे उस वक्त नहीं पता था कि राहिला की बहन है वो। लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है ना? सही कह रहे हो, बदल गई वो भी, बाद में बदल गई, बहन जैसी नहीं है वो। लेकिन जमशेद, जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर उठाना। आपका कहने का मकसद है कि बहन और भांजियों की वजह से मैं ये हबीब जैसे घटिया इंसान से दबके रहूं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मत रहो दबके। जो भी फैसला करो ये याद रखना कि अगर मुझे तलाक हो जाती है तो मैं तुम्हारी बहन और तुम्हारी भांजियां तुम्हारे पास होंगी, तुम्हारी जिम्मेदारी होंगी। और सुनो, अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभा सके ना, हबीब से घटिया इंसान तुम लगे। याद रखना। क्या ये सब कुछ भूल के हम नई शुरुआत नहीं कर सकते? फराज भाई, नई शुरुआत करने के लिए पुराने खाते बंद करने पड़ते हैं। जो नुकसान हुआ है उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। भाभी, जो भी सजा दे दें मुझे कबूल है। तो आपकी सजा यह है कि जब तक आपका मस्कत का वीजा नहीं आ जाता, आप यही रहेंगे, रोज मुझसे निगाहें मिलाएंगे और शर्मिंदगी से सर झुकाएंगे। क्या हो बेटा, तबीयत ठीक है? जी जी, थोड़ी खांसी हो रही थी। धुल गया बर्तन? जिन्नी मामा आए थे ना आज, मैसेजेस देखे थे मैंने उनके, लग रहा था कि कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या बात थी? कह रहे थे कि तुम्हारे अब्बा के ऑफिस में किए हुए फ्रॉड पकड़े गए हैं, जो कि सच बात है। और तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि जमशेद को समझा दो वरना मुझे इस घर से तलाक देकर निकाल देंगे। मामा को कहें कि उनको डरने की जरूरत नहीं है, अब्बा को ये करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते। एंडी, मुझ पे तुम दोनों बहनों की जिम्मेदारी है, उसका क्या करूंगी? इनार, क्यों नहीं समझती कि मेरे और फाइजा के नसीब में जो लिखा है वो ही रहेगा? अगर आप ऐसे रहेंगे ना, ऐसे रहने से मेरा और फैसला तो मुस्तकबिल ब्राइट नहीं होगा।
जमशेद मामा को कहें कि वो जो कर रहे हैं वो करते रहे, डर के आगे तो सोचे। अच्छी बात है, मैं नहीं, तुम भी समझोगी। अच्छी नहीं हूँ मैं अम्मा। मेरी गोद में एक बच्चे की जगह एक बस्ता होता, हाथों में पेंसिल होती, कलर्स होते, वेदन ना होता, अभी सो रही होती मैं स्कूल जाने के लिए, दो साल का सफर गुजारा है, दो सालों का जो ये सफर तय किया है मैंने, दो सालों का देर मैं बच्ची हूं। सही कह रही हो तुम, तुम्हारी कम उम्री में शादी करके ना बहुत सुलू कर रही हूँ कहीं ना अम्मा, शादी तो हो गई तो मशीन है नहीं हमारे पास, जब वापस जाए ये सब ना कर सारी चीजें कहने का क्या फायदा, उस वक्त आपने मेरे बारे में सोचा कैसी जिंदगी गुजार रही हूं मैं, फायदा हुआ कुछ, हमारे बारे में सोचने के बाद भी अगर ऐसी जिंदगी गुजारने को मिलती है ना हम दोनों को, एक दफा हमारे बारे में ना सोचे, कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि अगर उस वक्त हमारे बारे में नहीं सोचती क्या आप उस शख्स के साथ होती, उसको आप अपना शोहर और मेरा बाप कहती, प्लीज अरे मुआ सोच अपनी पोपी ले रख के देखे, राहिला, तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। नहीं दिखी थोड़ी देर, आपको तो कयामत आ गई कोई। नाराज हो मुझसे? अभी तक नाराज हो? मैं पहले ही ऑफिस के मामलात में बहुत उलझा हुआ हूँ राहिला, प्लीज मुझे और परेशान मत करो। तो मैं क्यों परेशान करूंगी आपको, आप तो वैसे ही मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते। इतनी सी बात नहीं है राहिला, ये बात तुम जानती हो बहुत अच्छी तरह से। बात छोटी हो या बड़ी, ये आपको भी पता है कि क्या आयशा आपको बेटा नहीं दे सकती, आपको नहीं होती ख्वाहिश अंदर से बेटे की, अपने दिल से पूछे। बेटा किसे नहीं चाहिए होता है? फिर मैं दूंगी ना आपको बेटा, हमारा तो वैसे हमारे खानदान में रिवायत है, सिर्फ बेटे पैदा करती हैं औरतें, आलिया को देखे, दिया है ना जमशेद भाई को वारिस, दिया है ना बेटा। जमशेद का नाम मत लो,
वो पहले ही ऑफिस में मेरा पत्ता साफ करने के चक्करों में लगा हुआ है। ऐसे कैसे कर देगा पत्ता साफ? तीन लफ्ज में बोल देंगे उसकी बहन को आप? बस यही एक हरबा है मेरे पास, और ना आयशा तो पहले ही तंग बैठी हुई है मुझसे, बेटियों की वजह से तलाक के नाम से डरती है वो। बस माने या ना माने, कहीं ना कहीं बेटियां कमजोर कर देती हैं माँ बाप को। समीरा भाभी को देख लीजिए ना, नहीं संभाल पाई ना अकेले सारा बिजनेस, मर्द की जरूरत पड़ी ना, सहारा होगा वो अभी। हाँ भाई, काम ख़त्म नहीं हुआ अभी तक? जी बड़ी अम्मी, बस एनी के काम ख़त्म हो गया, बनाना कि अम्मा के काम रहते हैं। चलो अच्छा है, तुम भी थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लो। तुमसे पूछना ही भूल गई मैं, शॉपिंग कैसी रही तुम्हारी? अच्छी रही, वो मुझे ब्लैक शूज़ चाहिए थे ना कॉलेज के लिए, वो मुझे मिल गए तो ये अच्छा हो गया। बड़ी अम्मी पता है, याद है आपको वो छोटी सी गुड़िया जो बड़े अबू लेकर आए थे मेरे लिए? कौन से वाली? वो हाँ 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 याद आ गया, हाँ बिल्कुल ऐसी गुड़िया मुझे दिखी। अच्छा तो ले लेनी थी अनाया के लिए। बस हमेशा अफसोस रहेगा मुझे कि हम बड़ों ने तुम दोनों का बचपन खत्म कर दिया बहुत जल्दी। मुझे पता है बड़ी अम्मी कि आप इसके हमेशा खिलाफ थे। हाँ लेकिन कुछ नहीं कर सकी मैं। चलो जो होना था वो तो हो गया, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो और जाके अपनी गुड़िया से खेलो। आपको एक बात बताओ, आपका बेटा फाखर ना वो भी कम नहीं है। जब मैं वो डॉल्स वगैरह को देख रही थी तो वहाँ मुझसे छुप के प्ले स्टेशन देख रहा था। उसका बचपन कभी भी ख़त्म नहीं होगा, बस प्ले स्टेशन वगैरह देख के वो पागल हो जाता है। जरा ध्यान रखना प्ले स्टेशन के चक्कर में कहीं तुम्हें ना किसी दिन बाजार में भूल के घर चला आए। चलो काम कर लो जल्दी। हेलो आलिया, यार मैं बहुत खुश हूँ आज। वो क्यों? हबीब ने मेरी सबसे बड़ी खुशी मान ली है, अब मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस घर को वारिस दूंगी। सच्ची आपा, ये तो बहुत खुशी की बात है। समीना भाभी बहुत इतराती थी ना कि उनका अकेला वारिस फाखिर है, अब देखना मैं इस घर को बेटा दूंगी और वो घर कारोबार में इस जायदाद का हिस्सेदार होगा इंशाल्लाह। ऐसा ना सोचे आपा, बच्चा कब्जा करने के लिए थोड़ी आएगा, वो तो आपकी और हबीब भाई के लिए खुशियाँ लेके आएगा, आप दोनों के बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ऐसा भी तो सोच सकती है ना। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतनी बदल गई है तुम्हारी सोच? आप कभी जिंदगी के मोड़ पे लगे ना कि आपकी सोच गलत है तो वो बदल लेनी चाहिए। मेरी सोच गलत नहीं है जो मैं उसे बदलूं। इंशाल्लाह ताला लड़का होगा और इस घर जायदाद का मालिक होगा और मेरे और हबीब के लिए खुशबख्ती लेकर आएगा। अब मेरी दिल से दुआ है कि आपका बच्चा सेहतमंद पैदा हो, आमीन। आमीन सब आमीन। वैसे अभी ऐसी कोई बात है नहीं आलिया, लेकिन जल्द ही खुशखबरी होगी और मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम खाला बन गई हो, और मुझे इस खुशखबरी का इंतजार रहेगा। मुझे लगता है आयान रो रहा है आपा, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, आराम से, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। क्या बात है आयशा, चुप चुप लग रही हो? सोच रही हूँ हम औरतों की पूरी जिंदगी तीन लफ्जों में इधर से उधर हो जाती है। कितनी कमजोर होती है आप। कमजोर? अरे नहीं, हम तो नस्लों को पैदा करते हैं, उनको परवान चढ़ाते हैं, हम कहां से और क्यों कमजोर होने लगे? क्या
क्या बात है, परेशान क्यों? हबीब ने कहा है कि मुझे तलाक दे दें। सुबह आए थे ये कहकर चले गए। जमशेद भी आया था आज, कह रहा था कि हबीब के सारे कारनामे खोल दिए उसने। जमशेद को कहा है हबीब ने कि अगर उसकी वजह से हबीब नौकरी से निकले तो वो मुझे तलाक दे दे। पहली बात तो ये कैसा होगा नहीं, वो सिर्फ तुम्हें धमका के काम चला रहा है। और दूसरी बात ये कि तुम एनी से कुछ सीखो। देखो हमने उसको कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया, कितनी मुश्किलें खड़ी कर दी उस बेचारी के लिए, लेकिन वो अपने आप पढ़ाई का ख्वाब पूरा कर रही है, उससे कुछ सीखो। काश आप ये कह देती कि हबीब को मेरी वजह से नहीं निकालेंगे ऑफिस। नहीं आयशा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती, ऐसा कोई वादा नहीं कर सकती, इसलिए कि हबीब ने इस कारोबार को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और ये कारोबार तुम्हारी बेटी नवासी दामाद उनका मुस्तकबिल है, ये मत भूलो तुम। प्यासा अंडे रहे तो मैं सादा अंडा खा लूंगी। क्या हुआ, कोई परेशानी है? आधे घंटे से ना मैं ये अंडा फ्राई कर रही हूँ। तुम्हें पता है आज मेरा कितना बड़ा टेस्ट है? गैस की लोड शेडिंग भी ना आज ही होनी थी, मेरे साथ हमेशा यही होता है। गैस की लोड शेडिंग भी है, टेस्ट भी है, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाते हो यानी कि तुम्हारी एक बहन भी है जो तुम्हारी हर मुश्किल में साथ देती है। तुम जाओ अंडे तल लेते हो। पूरी स्कूल की बहन भी तो आने वाली है ना। आज स्पोर्ट्स डे है, मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं घर पे ही हूँ, मैं बना लेती हूँ सच। थैंक यू सो मच फायजा। अब मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगी, तुम्हें खान खोल के सुनना है, सही है? एक बात सुनो आप, साइका पुप्पो और फैमी पुप्पो इन दोनों हाफ फ्राई अंडा खाते हैं और बाकी सब ऑमलेट खाते हैं, लेकिन बिना प्याज के। फाखिर का जो ऑमलेट है ना उसमें बिल्कुल थोड़े से प्याज डालना। और अब मुझे पता है सीकर में रहती हूँ मैं कर लूँगी सब, ठीक है? तुम जाओ। थैंक यू। सर मेरी एक बात सुनो, तुमने स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है स्पोर्ट्स डे कितना इंपॉर्टेंट होता है, स्पोर्ट्स तुम्हें फिट रखता है और चैलेंजेस भी देता है, क्यों नहीं किया तुमने स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट? बताओ। अभी जो ये छोटी सी गैस है ना, थोड़ी सी गैस है, इससे मेरे लिए इतने सारे अंडे तलना सबसे बड़ा चैलेंज है। तुम जाओ, मैं अंडे तल रही हूं। थैंक यू। फाखिर कहाँ हो? फाखिर इधर हो। अरे आ रहा था बस, वो नाश्ता करने। अरे भाई तुम लोग, तुम और एनी इकट्ठे मॉल गए थे ना शॉपिंग करने के लिए, कहाँ गायब हो गए थे तुम? वो एनी कह रही थी वो तुम्हें ढूंढती रही। प्ले स्टेशन देखने चला गया था, वहाँ क्या हो गया? ये प्ले स्टेशन तुम्हें नजर आ जाए ना तो तुम्हें किसी चीज का होश नहीं रहे। मैं तो समझी थी तुम लोग इकट्ठे मिलकर शॉपिंग करोगे, वो एक दूसरे के लिए चीजें लोगे, एक दूसरे को मशवरा दोगे, तुम जाके वहाँ पे गायब हो गए। जो उसने अपनी मर्जी का लेना था उसने ले लिया, किराए के भी जो कपड़े थे या जूते वगैरह लेने थे उसने नहीं लिया भाई, अपनी मर्जी से सही है बस। ठीक है भाई, कम से कम उसको बता के तो जानते हैं, वो ढूंढती तो ना रहती तुम्हें। अच्छा ये बहस, चलो आ जाओ नाश्ता कर लो। बहस क्या कर रहे हैं? चले भाभी, सायका आप और फराज भाई जा रहे हैं। हाँ जानती हूँ मैं, जो लोग अपने आप को बहुत होशियार और चलाक समझते हैं कभी कभी उनको इसी तरह सर झुका के मुंह छुपा के निकलना पड़ता है। जो होना था वो हो गया, मैं अब मस्कत चला जाऊंगा। जब तक वीजा नहीं आता तो फराना आपा के घर रहूंगा, वो काफी अरसे से कह रही है। सही फरमाया आपने, जो होना था वो तो हुआ, लेकिन फराज भाई जो नुकसान आपने जहीर के कारोबार को पहुंचाया है ना,
उसका जुर्माना हरजाना तो देना पड़ेगा। ये क्या कह रही है समीना भाभी, हम कहाँ से हरजाना पूरा करेंगे? साथी ने तो जो मस्कत से कमाया भी खर्च डाला और सहीर भाई के बिजनेस से लूटा वो भी उड़ा दिया। इन जेवर का सेट बचा था वो राहिला ने। ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन मुझे ये बात जरूर पता है कि जब कोई मुजरिम साबित हो जाए ना, तो फिर ये भी देखना पड़ता है कि कहीं वो ये जुर्म करने का आदि तो नहीं है, कहीं पहले भी वो इस तरह की हरकत तो नहीं कर चुका। ये क्या कह रही हैं समीना भाभी, इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं फराज साहब पर, क्या सबूत है आपके पास? सही क्या, इसका सबूत तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि जो इतना बड़ा फ्रॉड कर सकता है, कि बीवी का छोटा सा सोने का सेट क्या मानी रखता है। देखिए हम मानते हैं समीना भाभी के फराज साहब के खिलाफ सबूत मिले ऑफिस में, लेकिन ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकते। फराज साहब हमारा जेवर चुराने का नहीं सोच सकते, है ना? सहका, मुझसे हो गई है गलती, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या ये सब कुछ भूल के हम नई शुरुआत नहीं कर सकते? फराज भाई, नई शुरुआत करने के लिए पुराने खाते बंद करने पड़ते हैं, जो नुकसान हुआ है उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। भाभी, जो भी सजा दे दें मुझे कबूल है। तो आपकी सजा ये है कि जब तक आपका मस्कत का वीजा नहीं आ जाता, आप यही रहेंगे, रोज मुझसे निगाहें मिलाएंगे और शर्मिंदगी से सर झुकाएंगे। और सायका, सुजहीर की छोटी और लाडली बहन हो ना, तो इस घर की छत के तले रखना मेरा फर्ज है। सामान रखो, नाश्ते के लिए आओ, चलो। समीना भाभी, वैसे अगर तुम नहीं भी आते ना, आ जाती मैं खुद। सही बात, तो जब आ सकती थी तो मम्मा को कॉल करके ये क्यों बोला कि वैन नहीं आएगी, फाखर पे कर लेगा? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, मैंने बस ये बोला था कि मेरा एक टेस्ट है और मैं 12:30 तक फ्री हो जाऊंगी और वैन अंकल अपने रेगुलर टाइम पे ही आएंगे। उन्होंने खुद कहा था कि ठीक है, मैं फाखर को भेज दूंगी ऑफिस से। सही बात है, सब पता है मुझे, से तुम शिकायतें लगा रही होती ना मम्मा को मेरी। कौन सी शिकायत, मुझे 10 और काम होते हैं। और काम होते, जो तफसील आपने बयान की है ना अम्मा को, मुझे सब पता है शॉपिंग की। ज़रूरी थी कि जो तुम्हारा नॉन सीरियस एटीट्यूड है और गैर जिम्मेदारी का एटीट्यूड है ना, ये हमारी एक रिलेशनशिप में बहुत बड़ा फैक्टर है, तुम्हें अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी। मैंने आधी रात को उठ के जो इनाया की फीडर मंगवाई थी उसका क्या? हाँ तो मैं क्या करती, उसने अपनी फीडर तोड़ दी थी, कहाँ से लेकर आती मैं फीडर? उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको रोज पिक एंड ड्रॉप करना, उसकी फीडर तो एक चीज़ है ना, डायपर्स लेके आना, वैक्सीनेशन करवाने लेके जाना, एक दफ़ा कॉल नहीं उठाई तो आपने अजाब बना दिया उस चीज़ को, ऐसा भी कुछ नहीं किया है। फर्ज पे एहसान जताते हैं। नहीं, एहसान जता नहीं रहा, एहसान किए हैं। भाई दफ्तर में जितनी मर्जी मैं चाय पी लूँ, लेकिन जब तक तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पीती ना, थकन दूर नहीं। क्या बात है, तुम रो रही हो, क्या हुआ? अभी बस नहीं कहूंगी आपसे अब कि आप मेरी बेटियों की वजह से हबीब को ना निकालें, या इस डर से कि वो मुझे छोड़ देंगे, मैं भटक गई थी, मैं खुद गर्ज हो गई। तुम्हें पता है कि मैंने क्या सोचा है? मैं पूछा मत, बस बैठ गई रोने। पहले सोचा है कि मैं हबीब को सिर्फ बोलने, मैनेजर खबर है उसको निकाल दिया मैंने, और हबीब से बस सिर्फ वही काम करने को दूंगी जिसमें ये हेरा फेरी की गुंजाइश ना हो, और जमशेद बैठा है ना, रखेगा उस पर नजर। तुम्हारी वजह से नहीं कर रही, एनी की वजह से कर रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और हबीब की वजह से
वो परेशान हो, डिस्टर्ब। चाय बना दोगी अब? हम ही बना। I'm not afraid.